में इतना बिजी हो गया है कि हमने आपको हम लोगों को प्रभु के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी याद नहीं है। बस हमारे बीवी बच्चे घर दार, इसके सिवा हमको कुछ याद नहीं, कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं। बस चर्च में हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, वैसे चर्च में आते हैं। मगर ये फिल्म देखने के बाद आप सोचेगा और जरूर सोचेगा और आपका लाइफ आज चेंज होने वाला है ये देखने के बाद। जैसे दुबई में आप लोग आया, वैसा ही ग्राहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलिया, दुबई जैसा हजार गुना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया अच्छा देश है, वो छोड़ के अपना इंडिया में आया। इंडिया में बॉम्बे में या आपका हैदराबाद में या किधर उधर नहीं आया, वो ऐसी जगह गया जहाँ पे नल नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, रास्ते नहीं। वहां पे जाके 30 साल उसने सेवा की। किन लोगों की सेवा की? जिन लोगों ने डिप्रेसिव हुआ था, जिनके हाथ पैर सड़े हुए थे, उन लोगों को हमने घर से निकाल दिया था। उन लोगों की ग्राम शेष और उसके परिवार ने 30 साल सेवा की। आपको हिंदी समझ में आ रहा है ना? ओके, भेजवा। 30 साल सेवा करने के बाद कुछ कट्टरपंथियों ने उसके और उसके बच्चों को जिंदा जला दिया। अगर यही हादसा आपके और मेरे या हमारे किसी भी लोगों के साथ होता था तो खून का बदला खून, गाली का बदला गाली, झगड़े का बदला झगड़ा लेते थे। अखबार में पढ़ते हैं इसको मार डालो, इसको उम्र कैद दो, इसको फांसी दो, मगर कभी पढ़ने को नहीं मिलता प्रभु इन लोगों को माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते इन लोगों ने क्या किया है। उस बच्चों की माँ को, बच्चों को जिंदा जला देने के बाद, वो पास्टर को जिंदा जला देने के बाद, उसकी बीबी वो बच्चों की माँ कह रही है कि वो माफ कर दो इन लोगों को, ये लोग नहीं जानते इन लोगों ने क्या किया है। यही माफी का संदेश, यही क्रिश्चियनिटी मैं गांव गांव जाके लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो यही क्रिश्चियनिटी है। ये फिल्म बनाने के लिए मुझे 16 साल लगे। आई एम नॉट फिल्मी बैकग्राउंड, मेरा कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। 2003 में मैंने रिसर्च पूरा करने के बाद शूटिंग को शुरुआत किया, कुछ लोग आए और शूटिंग को बंद कर दिया। मेरा 10 दिन का शूटिंग हो चुका था, मेरे फॉरेनर थे वो भी भाग गए और 30 लाख 13 लाख रुपए वेस्टेज चला गया। और कुछ दिन रुका, फिर से शूटिंग को शुरुआत किया, पैसे कमाए मैंने। 19 दिन का शूटिंग हो चुका था और कुछ लोग आए, फिर से हंगामा किया और उनमें से कुछ लोगों ने हाथ भी उठाया और मेरा 45 लाख रुपीज वेस्टेज चला गया। 19 दिन का शूटिंग, आधा अधूरा शूटिंग, कोई काम का नहीं था। फिर से 1.5 साल पहले रुका मैं, उस समय वो लोग आए ना, वो लोग क्या बोल रहे थे मालूम है? कि तुम ये फिल्म निकालकर भारत की शांति भंग करना चाहता है, ये फिल्म निकालकर भारत की शांति भंग करना चाहता है, तुमको भारत के महात्मे कम पड़ गए थे क्या? भारत के महात्मे मतलब महात्मा गांधी, अम्बेडकर, सो मेनी लोग, ये कम पड़ गए थे क्या तुमको कि तुम ग्राम के ऊपर फिल्म बना रहा है? मैंने भी उसको जवाब दिया, हमारी भारत की संस्कृति अतिथि देवो भव है, अगर कोई हमारे घर में अतिथि बोल के आता है तो हम लोग उसको आदर सत्कार मान सम्मान खाना खिलाते हैं। तो उसमें से कुछ लोग आए, कार के पीछे लगा दिया, ज्यादा बात करने का नहीं। पुलिस केस हुआ, अखबारों में आया, मेरे सब पीछे मुड़के देखा तो सब लोग भाग गए थे। 1.5 साल पहले प्रभु को बोला, प्रभु अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप चाहता है जो पास्टर लोग, जो मिस्टरी लोग आपके राज के लिए बलिदान देते हैं, हंसते हंसते जान देते हैं, उनका जीवन मैं अगर लोगों के सामने दिखाऊं तो प्लीज मुझे हेल्प करो। तो आज तब से लेके आज मैं 400 शो किया और आपके सामने आया हूं। ये फिल्म को 9 इंटरनेशनल अवार्ड मिला है अभी तक। जब ये फिल्म बन गया, सेंसर के पास गया मैं, सेंसर बोला ये कट करो, ये कट करो, वो कट करो, ये 1.5 घंटे का मूवी है, ये आधा घंटे में करो। सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। एक दिन गुस्से से मैं उसके सामने गया और उसको बोला, सर आप मुझे बात बताओ, आप सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, मैंने कभी अखबारों में स्टेटमेंट दिया, न्यूज चैनल को बोला कि आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। पद्मावत फिल्म का, उस समय पद्मावत फिल्म का वातावरण चल रहा था,
पूरा चार पोर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। आप आपको मालूम है पद्मावत फिल्म? नहीं मालूम? ठीक है, चलो मेरी बात नहीं। वो पद्मावत फिल्म बहुत बड़ा 300-400 करोड़ का फिल्म था और वो रिलीज नहीं होने देने का, इसलिए पूरा कुछ कट्टरपंथी लोग वो फिल्म को रिलीज नहीं होने देने के लिए चार पोल कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, दंगे कर रहे थे। मगर मैंने उनको कहा कि मैं ऐसा स्टेटमेंट दिया क्या कभी अखबारों में, न्यूज चैनल को, कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं? तो पता नहीं क्या हुआ, एक ही कुछ क्षणों में 5-10 मिनट में वो आया और उन्होंने सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया। सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटरों के पास गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा, फिल्म देखा और डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला, 9 इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, फिल्म बहुत अच्छा है, 30-40 लोगों ने फिल्म देखा। और फिल्म देखने के बाद वो लोग बोलने लगे, भैया आप मुझे बताओ इंडिया में आपके लोग कितने हैं? 2% लोग। अगर ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी हो गई तो आपके लोग घर के बाहर निकलेंगे, दादागिरी करेंगे, फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाएंगे क्या? मैंने बोला, नहीं यार, हमारे लोग बहुत गरीब लोग है, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, नहीं जाएंगे हमारे लोग थिएटर में। फिर आपने 2.5 करोड़ लगाया, 2.5 करोड़ रुपए लगाया, आपके भगवान के लिए लगाया, मगर हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपका फिल्म चला कॉन्ट्रोवर्सी ने परचेस करने के लिए नहीं बोल दिया, फिर मैं भागा भागा मेरे पास्टर के पास गया। पास्टर को बोला, सर ऐसा ऐसा हुआ है। पास्टर ने बोला, चलो हम लोग प्रेयर करते हैं। प्रेयर किया, पास्टर ने बोला, हम लोग कल एक शो देखेंगे,